मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में कृषि कानून के विरोध में जिला कांग्रेस ने खंडवा बड़ौदा हाईवे स्थित सिनेमा चौराहा पर 2 घंटे चक्का जाम किया। मोदी सरकार की जन विरोधी एवं किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आक्रोश जताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल, विधायक मुकेश पटेल, विधायक कलावती भूरिया सहित कार्यकर्ता व किसान उपस्थित रहे। जय जवान जय किसान, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जैसे नारों से चौराहा गूंज उठा। पटेल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश को पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया है। केंद्र सरकार किसान विरोधी है, कांग्रेस किसानों के साथ है तथा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। विधायक भूरिया एवं विधायक पटेल ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि देश का किसान विगत 2 माह से अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है, परंतु सरकार का कोई असर नहीं हो रहा है। देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आम जनता में हाहाकार मचा हुआ है। कार्यक्रम को कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। एक पीछे ट्रैफिक जाम होने में यही तो माफ मिला।